दोस्तों आपको क्या लगता है इस दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? हीरे, जेवरात, सोना, चांदी, प्लैटिनम इत्यादि दुनिया की सबसे महंगी चीजें हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इस दुनिया में सबसे महंगी चीज पेट्रोल और डीजल है, जिसे आप अपनी गाड़ी में 100 रुपए लीटर देकर भरवाते हैं और उसके बाद अपने दिनचर्या के काम में लग जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे, हमने रुपए की कीमत में मिलने वाले इस पेट्रोल डीजल को दुनिया की सबसे महंगी चीज क्यों बताया? तो दोस्तों हम आपको बता दें, 100 रुपए की प्राइस में मिलने वाली ये चीज इसलिए कीमती है क्योंकि अब इसका स्रोत धीरे धीरे खत्म हो रहा है और आने वाले दिनों में ऐसा भी समय आएगा कि धरती से पेट्रोल डीजल का नामो निशान मिट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने। कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ क्यूबेक के जैव रसायन प्रोफेसर एवं वैज्ञानिक मार्क ब्यूरेगार्ड के रिसर्च के अनुसार 2070 तक धरती से पेट्रोल डीजल के स्रोत खत्म हो जाएंगे। ऐसे में अगर भारत देश पेट्रोल डीजल का दूसरा विकल्प नहीं ढूंढता है तो आने वाले दिनों में जब पेट्रोल डीजल के स्रोत कम हो जाएंगे तो ये इतने महंगे मिलने लगेंगे कि इनकी कीमत सोने चांदी से भी ज्यादा हो जाएगी। इंसान गाड़ी पर चलने के बजाय पैदल चलने के लिए मजबूर हो जाएगा। उन दिनों पेट्रोल डीजल का भाव इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर से लोग बसों से यात्रा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो वहीं बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों की वजह से बसों और ट्रेनों का किराया इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि लोग पैदल चलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों आप हमारी इस बात को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि ये एक सच्चाई है। आने वाले भविष्य में पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएंगे। शायद आपको मालूम नहीं है, इस पेट्रोल डीजल के लिए कई देशों के बीच युद्ध भी हुए हैं, क्योंकि हर देश चाहता है कि पेट्रोल डीजल के खदान उनके हाथ लग जाएं। ऐसे में खाड़ी देशों के ऊपर जिन भी देशों ने हमला किया, उनका एकमात्र मकसद था वहां के पेट्रोल डीजल के खदानों पर कब्जा करके दुनिया में अपना प्रभुत्व कायम करना। क्योंकि आज की डेट में जिसके पास में सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल है, वही दुनिया का किंग है। और इस समय वर्तमान में पूरी दुनिया का किंग OPEC है। OPEC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इस संगठन में अरब खाड़ी के 13 देश शामिल हैं। ये सभी देश एक साथ मिलकर पेट्रोल डीजल के दाम को कंट्रोल करते हैं। OPEC के कंट्रोल में ही सब कुछ है। ये जब चाहे तब पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ा सकते हैं, या फिर दुनिया को ये भी कह सकते हैं, हमारे पास से पेट्रोल खत्म हो गया है, अब हम पेट्रोल नहीं बेचेंगे। ऐसे में दोस्तों इस दुनिया में तेल का शॉर्टेज पड़ जाएगा और आज 100 रुपए में मिलने वाला ये तेल हो सकता है कि आने वाले दिनों में 200 रुपए लीटर या इससे भी ज्यादा महंगा मिले। इस तरह से पूरी दुनिया पर इन 13 कंट्रीज की मनमानी चलती है। लेकिन अब इस OPEC ऑर्गेनाइजेशन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयारी में जुट गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत देश अब खुद की फ्यूल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की तैयारी में जुट गया है। अगर भारत इस मकसद में कामयाब हो जाता है तो OPEC संगठन वाले देशों की रातों रात की नींदें उड़ जाएंगी। ये बात जानने के बाद दोस्तों आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, आखिर भारतीय ये सब करेगा कैसे और कैसे भारत का ये फैसला OPEC संगठन वाले देशों को प्रभावित करेगा? तो जानकारी के लिए हम आपको बता दें, हमारा देश काफी समय पहले से ही पेट्रोल डीजल के ऊपर से निर्भरता को कम करने के लिए कई तरह की तैयारियों में जुटा हुआ है। भारत में अभी जितना भी पेट्रोल डीजल की खपत होती है उसका 80% हिस्सा दूसरे देशों से इंपोर्ट होता है। यही वजह है कि दूसरे देशों से तेल इंपोर्ट करने की वजह से भारत में दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, और पेट्रोल डीजल की बढ़ते दामों की वजह से इसका सीधा इफेक्ट हमारे देश की महंगाई पर पड़ रहा है। लेकिन अब भारत दूसरे देशों से मिलने वाले पेट्रोल डीजल की निर्भरता को कम करने के लिए काम कर रहा है और अब भारत बायोफ्यूल बनाने की तैयारी में जुट गया है। दोस्तों भारत ये काम कोई शौक से नहीं कर रहा, बल्कि ये काम करना भारत देश के लिए मजबूरी बन गई है। क्योंकि भारत अगर ये काम नहीं करेगा तो आने वाले दिनों में दूसरे देश से मिलने वाले तेल की निर्भरता की वजह से भारत देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। यही वो खास वजह है कि भारत बायोफ्यूल बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। इसके लिए भारत एक अलायंस बनाने जा रहा है जिसका नाम इंटरनेशनल बायोफ्यूल सेटअप होगा। आपको बता दें कि भारत को G20 संगठन में अध्यक्षता की कुर्सी मिली हुई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत G20 अध्यक्षता के दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन स्थापित करने पर जोर देगा। इस बात की पुष्टि खुद भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह ने पूरी अक्टूबर के महीने में एक बैठक के दौरान की थी। भारत पिछले कई वर्षों से शुगर केन, सिरस, अनाज और खेती किसानी में निकलने वाले वेस्टेज मटेरियल से बायोफ्यूल बनाने की तकनीक डेवलप कर रहा है और साथ ही एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के यूज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
ऐसे में दोस्तों अगर आने वाले फ्यूचर में भारत बायोफ्यूल बनाने वाली तकनीक को डेवलप कर लेता है और इस कार्य में कामयाब हो जाता है तो दूसरे देश से मिलने वाले पेट्रोल डीजल की निर्भरता से भारत मुक्त हो जाएगा और स्वदेश निर्मित बायोफ्यूल के उपयोग करने से भारत देश में महंगाई काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।